खतरनाक है यहाँ का घाट पिंडारी। लोग भी पहुँच चुके हैं एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर पिंगला, और चार तो हाथी हैं, एक यहाँ पर शायद ये कब से वहीं पर है, और इधर भी है एक, ये रहा और एक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग आज जा रहे हैं तमोर पिंगला, जो कि है रमकोला में, जो पड़ता है सूरजपुर ज़िला में, और अभी अभी ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में इसको अप्रूव किया गया है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला कंबाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। और तभी हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पिंडारी, जहाँ से घाट स्टार्ट होता है प्रारंभ, तो ये है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और अभी यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो चुका है, और बरसात के बाद का अभी जंगल का पूरा सीन देख सकते हैं, पूरा हरा भरा हो चुका है। और हमारा आज का गैंग है ये जाने वाले अभी, और हमारा आज का सवारी, तो देख सकते हैं अभी जंगल में रुके हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सोच के रुक लेते हैं, यहाँ का सीन अच्छा था, तो फिर चलते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ का सीन। तो बन रही वीडियो, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद करें तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आगे। पर इस तरह का हादसा होता है, यहाँ पर पूरा ट्रक पलट गया था, पूरा कोयला गिर गया था, पूरा कोयला से ट्रक लोड था, और घाट पंडारी का भी सीन कुछ ऐसा है। घाट पंडारी के बाद पूरा यहाँ का रास्ता बहुत खराब, पूरा रास्ता में मतलब रास्ता तो दिख नहीं रहा, पूरा गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा है, और देखते हैं कितना दूर तक है ऐसा रास्ता। तो सावधानी के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, गाड़ी टच मत हो जाए। तो अब हम लोग कट चुके हैं गोविंदपुर के लिए, जो रास्ता कटता हुआ है मतलब 11 नंबर, मतलब रेवटी से पहले 2-3 किलोमीटर पहले रास्ता कटा हुआ लेफ्ट साइड जाने के लिए, जो आपको ले जाएगा तमोर पिंगला रमकोला, और उससे पहले पड़ता है गोविंदपुर, तो वही वाला रास्ता है। अभी सिंगल लेन रोड है, चलते हैं फिर आगे, और कुछ ऐसा यहाँ का रोड है। तो ये देखिए क्या का कितना दूर दूर तक पहाड़, और अभी तमोर पिंगला गेट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पिंगला में, रमकोला और तमोर अलग अलग हिस्सा रहता है, तमोर और पिंगला। तो हम लोग अभी पिंगला में हैं, ये देखिए जहाँ पर हाथी रहते हैं, हम पुनर्वास केंद्र पिंगला रमकोला, यहाँ से दूरी है 1 किलोमीटर 80 मीटर के आसपास, और 800 मीटर होगा सॉरी, और एलिफेंट रिजर्व सरगुजा ये, जो कि 2011 में इसको एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था पिंगला में, और ये बोर्ड है यहाँ पर। और अभी हम लोग हैं रमकोला में, मेन रोड है, और उससे यहाँ पर कटा हुआ है राइट साइड में एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर पिंगला। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे अगर अभी वहाँ पर एलिफेंट होंगे तो चलते हैं फिर अंदर में। तो हम लोग भी पहुँच चुके हैं एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर पिंगला, और ये देखिए यहाँ पर अंदर जाना तो मना है, बिना अनुमति के अंदर जाना मना है, और शायद इसके लिए परमिशन चाहिए होगा। तो ये देखिए हाथियों के लिए अंदर रहने के लिए उधर एक व्यवस्था, और वहाँ पर एक छोटा सा हाथी है, इसमें दिख नहीं होगा लेकिन आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, बाकी पूरा घूमना पड़ेगा ऐसे जहाँ पर हाथी दिख सकते हैं, इसके अंदर में है पूरे, और देखते हैं अगर किसी से पूछते हैं अगर किसी परमिशन मिल जाता है तो अंदर जाने का। तो यहाँ पर दिया हुआ पूरा टाइम कि हाथी लोग का क्या क्या है, यहाँ पर 6 से 7 है हाथी का रीत सफाई करना, और मतलब पूरे यहाँ पर 6 से सुबह और शाम को पूरे 6 तक पूरे यहाँ पर शेड्यूल फिक्स है। आप यहाँ पर वीडियो को जूम करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अभी अभी का टाइम हो रहा है, 12 से 12:30 तक का है हाथी रेस्ट करने का, अभी रेस्ट करने का टाइम है, और ये रहे हैं। तो अभी कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद अगर वापस आ जाते हैं तो आपको फिर दिखाते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा वेट कर लेते हैं कि वहाँ पर एक और ये रहा गजराज देवता जी यहाँ पर हैं, और उधर भी है एक, इधर है छोटू सा, और है उधर, लेकिन परमिशन नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि जो यहाँ के केयर टेकर है शायद वो बोले कि अगर कोई व्यक्ति रहेगा साथ में तभी जा सकता है अंदर में, तो अभी कोई है नहीं,
सब गए लंच करने के लिए और बोल रहे हैं 1 घंटा वेट के लिए, तो अपने पास उतना टाइम नहीं है तो आपको ऐसे ही बाहर से दिखा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर 7 से 8 हाथी हैं, बाकी अंदर में और होंगे जंगल के। तो ये रहा पिंगला में, और जो हाथी का रिजर्व है उधर है, ये देख रहे हैं फेसिंग, और यहाँ पर व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट में चलते हैं अभी। और अभी 1 बज रहा है, अभी थोड़ा धूप भी है, और अभी अभी शायद हाथी लोग का चरने का टाइम है, तो आप लोग को उतने सारे हाथी यहाँ पर दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो दिखेंगे आपको दिखा देंगे। मेरे को 1-2 दिख रहे हैं, तो आपको मैं ऊपर चलता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला, आपको पिंगला घूमूंगा पूरा, तमोर पिंगला। और जो तमोर है वो टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो शायद उधर जाना अलाउड नहीं है, फिर भी आपको अगर परमिशन होगा तो आपको उधर भी दिखा देंगे। बाकी इधर देखिए बैठने के लिए एकदम उत्तम व्यवस्था है। अभी ये देखिए यहाँ पर, यहाँ का व्यू पॉइंट कितना खूबसूरत तरीके से, मतलब आप आते तो अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर पाते हैं मतलब। तो ये देखिए यहाँ पर, और कितना खूबसूरत यहाँ का बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, और व्यू पॉइंट से कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिखता है। और ये रहा एलिफेंट्स का यहाँ पर रिजर्व, और वहाँ पर है कैलगो एलिफेंट्स। तो ये रहा है आपको पिंगला का सुंदर सा दृश्य। यहाँ पर 4 हाथी हैं, एक ए है, और इधर पर 3 है, एक ए रहे देखिए, ये 2 ये 3, और बाकी और आपको उधर देखने को मिले थे 1-2 ठो, एक उधर था एक इधर था, मतलब तो टोटल यहाँ पर 6 से 7 हाथी, यहाँ पर 7 या 8 हैं टोटल, तो 6 तो यहीं पर दिख गए हैं, बाकी पता नहीं किधर हैं अभी, बाकी सब 4 के आ गए हैं। और यहाँ के जो स्टाफ है अंदर जाने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोले कि किसी के साथ होना में ज़रूरी है इसीलिए, क्योंकि हाथी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, बस यहीं तक तो वीडियो था, और अगर अंदर जाने देते तो आपको अंदर जाके अच्छे से दिखाते, लेकिन जो था यहीं तक था। तो चलते हैं फिर नीचे। सो गाइस, हम लोग ने घूम लिया यहाँ पर तमोर पिंगला का अभ्यारण्य, जो हाथी रेस्क्यू और रिहेबिलेशन सेंटर है यहाँ का, और ये रहा यहाँ का हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है यहाँ का। और अभी कुछ दिन पहले ही तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और जो कि यहाँ पर सटा हुआ है, MP बॉर्डर सटा हुआ है, झारखंड बॉर्डर से और UP बॉर्डर से भी सटा हुआ है। तो यहाँ पर टाइगर्स के लिए पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर बांधवगढ़ और यहाँ से आसपास बांधवगढ़, और जो यहाँ पर गुरु घासीदास का कॉरिडोर बन चुका है, तो MP के जो टाइगर यहाँ पर आ सकते हैं और इधर के टाइगर उधर भी पूरा घूम फिर सकते हैं, इसलिए यहाँ इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा जगह, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं पर मिनट, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।